नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बसों के साथ क्रूरता करने वाले फरार 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना हसौद पुलिस को मिली सफलता। प्रकरण में सम्मिलित 5 आरोपियों को पूर्व में दिनांक 12/2022 को भेजा जा चुका है न्यायिक रिमांड में। आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही। प्रार्थी शिव कुमार यादव उम्र 20 वर्ष निवासी भेड़ीकोना थाना मालखुर्दा द्वारा थाना हसौद में दिनांक 10/8/2022 को ग्राम लाल माटी निवासी राहुल खुटे, कमल किशोर खुटे एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा इसके पशु के साथ क्रूरता करने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना हसौद में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 124/2022 धारा 429 भारतीय दंड विधान छत्तीसगढ़ कृषक पशु परियोजना अधिनियम 4/10/11 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 44 के तहत पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण के आरोपी ऋषि डहरे, किरण कुमार जाटवर, कमल किशोर खुटे, कुलदीप टंडन एवं राहुल खुटे को पूर्व में दिनांक 12/8/2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा चुका है। प्रकरण में सम्मिलित आरोपी हरिप्रसाद खुटे उम्र 48 वर्ष, श्याम कुमार खुटे उम्र 35 वर्ष, विनोद कुमार बंजारी उम्र 36 वर्ष, पुनीराम बघेल उम्र 62 साल, राकेश कुमार खुटे सभी निवासी लालमाटी थाना हसौद घटना दिनांक से गिरफ्तारी के डर से फरार थे, जिनको दिनांक 16/8/2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक योगेश पटेल, सहायक उप निरीक्षक लखपति प्रधान, सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र शुक्ला, प्रधान आरक्षक पूरन लाल कैमर्थ, आरक्षक मिरीश साहू, घनश्याम पांडे, मनोज कोसले, अरुण चंद्रा, जयपाल कंवर, घनश्याम टंडन, शिव गोपाल रात्रे एवं ब्रिजमोहन नेताम का विशेष योगदान रहा। छत्तीसगढ़ जानकी नौगढ़ राजा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट।